बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 20-21 को कोटा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान कोटा में 4 प्रमुख कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, जिनमें पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, युवाओं और प्रबुद्ध जनों से संवाद होगा। इसकी तैयारियां शुरू हो गई है। कोटा दौरे पर आए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने नड्डा के दौरे की जानकारी देते हुए कहा कि इस संबंध में शहर देहात और युवा मोर्चा के पदाधिकारियों से चर्चा करके पूरी रूपरेखा तैयार की गई है और कार्यक्रम को सफल बनाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने बारिश से हुए फसल खराबे को लेकर भी राज्य सरकार से जल्द सर्वे करवाकर किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने केंद्र सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि राज्य में अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है और इस्तीफा देने के बाद भी मंत्री और विधायक सरकारी सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी 20 और 21 अक्टूबर को कोटा संभाग के दौरे पर आएंगे। पार्टी के चरित्र को इसी तरीके समझा जा सकता है कि कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष संभाग और जिलों में दौरे करें तो पार्टी को धरातल पर कितनी मजबूती मिलती है, कितने मनोबल का निर्माण होता है। नड्डा जी 20 तारीख को यहाँ रुकेंगे और 20 और 21 को युवा संवाद, प्रबुद्ध जन संवाद और बूथ के कार्यकर्ताओं का, संभाग के बूथ के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, ये 3 प्रमुख कार्यक्रम रहेंगे और प्रमुख पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ वो आगामी 2023 और 24 की चर्चा भी करेंगे। कुल मिलाकर उनका दौरा, उसकी एक प्रारंभिक चर्चा हमने शुरू कर दी है, आने वाले दिनों में तैयारियां शुरू कर देंगे। उनका दौरा ऐतिहासिक भी रहेगा और इस हाड़ौती में राजनीतिक रूप से एक संदेश देने वाला भी होगा।